नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेनिस एल्बो के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेनिस एल्बो होता क्या है, मैं पहले उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। टेनिस एल्बो की, दिस इज ए कंडीशन करेक्टराइज बाई पेन एंड टेंडनेस एट द लेटरल इपिकोंडाइलिस ऑफ द ह्यूमरस ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन एट द ओरिजिन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस होता है। ये इसका डिफिनेशन होता है टेनिस एल्बो का। इसके काजेज क्या क्या होते हैं? इसके कॉजेज हो गया ट्रामा। ट्रामा दो तरह का होता है, एक माइक्रो ट्रामा होता है, एक माइक्रो ट्रामा होता है। ठीक है, माइक्रो ट्रामा जो होता है ओवर यूज हो गया या रिपीटेटिव कोई काम बार बार कर रहे हैं उसकी वजह से हो गया। ठीक है, और माइक्रो ट्रामा में जैसे डायरेक्ट कोई हिट कर दिया उसकी वजह से टेनिस एल्बो हो गया। तो इसमें जैसे कारपेंटर रहता है उसको होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और जो पेंटर होता है उसको भी, और इसमें जो स्क्रूपिंग करते हैं उनको भी होता है। जो हाउस वाइफ रहते हैं घर पर, औरतें वर्क करती हैं, उन लोगों को भी होता है। ऐसा नहीं कि खाली जो प्लेयर रहते हैं उन्हीं को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब लोगों के होने के चांस रहते हैं। इसमें मेनली जैसे एक कप हम लोग उठाते हैं पेन होता है, तो इसी पॉइंट पे ज़्यादातर पेन होगा, शूटिंग पेन हो गया, या लैपटॉप उठाते हैं उसकी वजह से इस जगह पेन आने लगा। ये सब जो रहता है हम लोग कॉजेज में आता है। ठीक है, और क्लिनिकल फीचर जो रहता है लक्षण, इसके लक्षण क्या कहते हैं? जैसे पेन हो गया एडियल, मतलब अपना काम करने में रोज डेली डेली पेन हो रहा है। फिर उसके बाद टेंडरनेस, इसी पॉइंट पर हम लोग टेंडरनेस रहेगा। स्वेलिंग भी किसी किसी का हो जाता है। ठीक, और इसमें जैसे सुपिनेशन प्रोनेशन करने में ज़्यादा दिक्कत होता है, और कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाते हैं उसकी वजह से ज़्यादा पेन होता है। तो ये सब जो रहता है टेनिस एल्बो में आता है, ये इसके लक्षण होते हैं टेनिस एल्बो के, क्लिनिकल फीचर में आता है। पहले एक्सरे कराएंगे, फिर उसमें देखेंगे फ्रैक्चर है आर्थराइटिस है, फिर उसके बाद एमआरआई करेंगे, उसमें जो है एक्सेसिव फ्लूड एंड स्वेलिंग इन द अफेक्टेड रीजन इन द एल्बो जॉइंट, और ECRP पे देखा जाता है। ये सब मेन टेस्ट होता है।